गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सरफेस केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस में ये जो कोलाइडल सोल्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं नेमली लायोफिलिक यानी सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग और लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग अगर हम वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे यूज़ करें तो ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे यूज होंगी हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं द वर्ड लायोफिलिक का क्या मतलब है लिक्विड लविंग ये जो कोलाइडल सोल्स हैं ये डायरेक्टली प्रिपेयर्ड होते हैं बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस जैसे गम जेलेटिन, स्टार्च रबर विद अ सूटेबल लिक्विड एज द डिस्पर्शन मीडियम और इन सोल्स को हम क्या कहते हैं लायोफिलिक सोल्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन सोल्स की कि अगर हम डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट कर दें डिस्पर्स वेस से जैसे बाय इवेपोरेशन से ये जो सोल है दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं बाय सिंपली अगर हम मिक्स कर दें विद द डिस्पर्जन मीडियम इसलिए इन सोल्स को हम रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को लायोफोबिक का मतलब क्या है लिक्विड हीटिंग सब्सटेंसेस जैसे मेटल्स उनके सल्फाइड्स जो हैं हम सिंपली मिक्स नहीं कर सकते विद द डिस्पर्जन मीडियम ये कोलाइडल सोल ऐसे नहीं बनता इनका ये जो कोलाइडल सोल्स हैं इनके स्पेशल मैथड्स से बनते हैं इन सोल्स को हम कहते हैं लायोफोबिक सोल्स ये जो सोल्स हैं वो रेडली प्रेसिपिटेट या फिर कागोलेट हो जाते हैं जब हम थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स का जब इनमें डाल देते हैं बाय हीटिंग या फिर बाय शेकिंग और इसलिए ये स्टेबल नहीं होते एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट या फिर कागोलेट हो जाए तो ये कोलाइडल सोल में दोबारा चेंज नहीं होते अगर हम डिस्पर्जन मीडियम ऐड भी कर दे दो तो। इसलिए इन सोल्स को हम इरिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं अब डिफरेंस देखते हैं हम लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स में तो लायोफिलिक सोल्स ईजली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं डायरेक्टली मिक्सिंग विद द लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं होते वो स्पेशल मैथड से ही प्रिपेयर्ड होते हैं लायोफिलिक सोल्स क्वाइट स्टेबल होते हैं और ईजली कॉगोलेट और प्रेसिपिटेट नहीं होते लेकिन लायोफोबिक सोल्स जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जब हम थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का इनमें डाल देते हैं नेक्स्ट डिफरेंस है कि लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं नेचर में और लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में हाइली हाइड्रेटेड होते हैं ये नॉट मच हाइड्रेटेड लायोफिलिक सोल्स यूजली फॉर्म्ड होते हैं बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे लाइक स्टार्च गम प्रोटीनस ये जो सोल्स जो हैं आर यूजली फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक मटीरियल्स जैसे मेटल्स और या फिर उनके सल्फाइड से नॉ स्टूडेंट्स अब हम क्लासीफाई करते हैं कोलाइड्स को बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेस मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स से आप क्या समझते हैं कि जब हम डिजोल्यूशन करते हैं तो लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ एटम्स या फिर स्मॉलर मोलिकुल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं सब्सटैंस के वो इकट्ठे हो जाते हैं और कोलाइडल uh, रेंज में लाए uh, करने लगते हैं वन टू थाउजेंड नैनोमीटर तो इन स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल है उसमें क्या है पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के वो इकट्ठे हो जाते हैं यानी ऑफ एटम्स सल्फर सोल में भी जैसे पार्टिकल्स जो हैं कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एस एट सल्फर मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स तो सर्टेन सब्सटेंसेस जिनके हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं हैविंग लार्जर मोलिकूलर मासेस अगर हम डिजोल्व कर दें उन्हें सूटेबल लिक्विड में तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस यानी डिस्पर्स पार्टिकल्स उनका साइज जो लाई करता है कोलाइडल रेंज में इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं मैक्रो कोलाइड्स ये जो मैक्रोमोलिकुल सब्सटेंसेस हैं यूजली पॉलीमर्स होते हैं विद हायर मोलिकुलर मासेस नेचुरली अक्रिंग मैक्रो कौन कौन से है? Starch, है, 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 है. Collides, हैं स्टार्च है सेल्यूलोर्स है प्रोटीनस है इंजाइम्स है जेलेटिन है नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स जिसे हम मिसल्स कहते हैं सब्सटेंसेस जब डिजॉल्व होते हैं मीडियम में एट लो कंसेंट्रेशन बिहेव करते हैं नॉर्मल स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट्स लेकिन हाइयर कंसेंट्रेशन में ये एग्जिबिट करते है, हैं कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू यानी इकट्ठे का जो फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है जिसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन सिंथेटिक एक्टिव डिटर्जेंट्स जैसे डिटर्जेंट या सोप्स वो बिलोंग करते हैं इस क्लास को ना स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन सोप जो है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइय फैटी एसिड है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस आर सी ओ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव जैसे एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी ओ ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव जब उसे पानी में डिस करते हैं तो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आर सी ओ ओ नेगेटिव एंड एन ए पॉजिटिव आयंस में ये जो आर सी ओ नेगेटिव आयंस है ये दो पार्ट्स में है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आर पार्ट जिसे हम नॉन पोलर टेल कहते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है वाटर रिपेलिंग है और पोलर ग्रुप है सी ओ ओ नेगेटिव जिसे हम पोलर आयनिक हेड कहते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टेल पार्ट है हाइड्रोफोबिक टेल है और ये क्या हेड पार्ट है हाइड्रोफिलिक हेड है यानी वाटर लविंग और ये वाटर हेटिंग तो अरेंजमेंट जो है स्टीरेट आइंस का ऑन द सरफेस इस तरह से एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोप और अरेंजमेंट जो, तो जो, 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 जो है आयंस का इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर एट क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन ऑफ सोप तो जो आर सी ओ हैं जो ये प्रेजेंट है ऑन द सर्फेस जो सी ओ ओ नेगेटिव ग्रुप्स जो है वाटर में लाई कर रहे हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो बाहर है लेकिन जैसी कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन हुई ये जो आयस हैं ये पुल्ड हो जाएंगे इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर और वो एक इस तरह से आयनिक मिसल फॉर्म करेगा इस तरह से स्पेरिकल एग्रीग्रेट फॉर्म करेगा कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर रहेगा और जो पोलर पार्ट है पोलर ग्रुप्स है वो इंट्रैक्ट करेंगे वाटर के साथ और कौन से कंसेंट्रेशन में क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन में द एठाया कंसेंट्रेशन आर सी ओ नेटिव एंस फॉर्म एन एग्रीकेट ऑफ स्वेरिकल शेप विद द हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो एंटर पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड सी ओ ओ नेगेटिव पार्ट वो आउटवर्ड एट द सर्फेस ऑफ द स्वेयर इसे हम आइनिक मिसल कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सो तो ये हमारे पास क्लॉथ है इसमें हमने ग्रीस और ऑयल लगा हुआ है हम, अब हमने क्या करा कि हमने इसके कॉन्टैक्ट में सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आए तो जो स्टेरेट आइंस है अपने को इस तरह से अरेंज कर लेगा कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो अंदर रह गए ड्रॉपलेट्स में तो बाद में क्या होगा फिर आयनिक मिसल ये फॉर्म कर लेंगे इस तरह से स्वेरिकल एग्रीगेट जिसे मिसल कहते हैं जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो तो इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ और हाइड्रोफोबिक टेल वो अंदर रह जाएंगे एट क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन एज हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है पोलर है ये जो पोलर ग्रुप्स है वो इंट्रैक्ट करेंगे वाटर मोलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट एज अ रिजल्ट ऑयल ड्रॉपलेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द क्लॉथ इन टू वाटर टू फॉर्म द आइनिक मिसल जो कि वॉश्ड हो जाएगी अवे विद द एक्सेस ऑफ वाटर